और आप लोगों के लिए मैं 6 to 10 फुल साइंस की सीरीज लाने वाली हूँ, जिसमें सब कुछ मैं डील करूंगी। उसके लिए भी आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो सॉरी मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा डेली बेसिस पे रोज का वीडियो चाहिए तो आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिटरली मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, जिसका टॉपिक था हम लोग का मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये पूरा वीडियो के को देखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो हम लोग मिरर और रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। मिरर मतलब क्या होता है? जो डेली यूज में हम लोग जो अपना फेस मिरर में देखते हैं उसी को तो मिरर कहते हैं, वही तो मिरर होता है ना, दर्पण जिसको कहते हैं, शीशा कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिरर। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? आप लोग कभी कभी देखे होंगे शाम के टाइम क्या होता है ना कि पानी में जो होता है, अगर उसके आसपास कोई पेड़ होता है तो उसी का रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है, है ना, उसी का प्रतिबिंब आप लोगों को उस पानी में दिखता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्शन, कि वो जो जैसे कि कोई ये जो पेड़ है इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है पानी में, है ना, तो पानी में भी हम लोग को पेड़ दिख रहा है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। अब ये जो मिरर और रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल में क्या होता है ना, डेफिनेशन का भी हम लोग को जरूरत होता है। ऐसे तो किसी को नहीं बता सकते कि हाँ जो डेली यूज में जो हम लोग देखते हैं है ना उसको हम लोग क्यों कहेंगे मिरर, ऐसा तो नहीं बता सकते किसी को, एक सटीक डेफिनेशन का भी हम लोग को जरूरत होता है। ठीक है, तो मिरर किसको कहेंगे? मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये लाइट के रिफ्लेक्ट होने के कारण ही हम लोग को कोई भी चीज जो होता है वो दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग अगर मिरर में देखते हैं तो हम लोग का सबसे पहले क्या होता है, लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, है ना, तभी हम लोग खुद को देख पाते हैं। जैसे कि और जैसे समझ लो ये बल्ब है, ठीक है, ये मिरर है, ये हम लोग खड़े हैं, है ना, तो सबसे पहले ये जो बल्ब का जो लाइट रे होता है वो इस मिरर पे पड़ेगा और देन वहां से ये रिफ्लेक्ट होता है और तब हम लोग का ये जो बॉडी है या फेस है वो दिख पाता है। तो सबसे पहले लाइट रे जो होता है वो मिरर पे गिरेगा और मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करेगा हम लोग पे, तो तभी हम लोग कोई भी चीज जो होता है वो मिरर में इस तरह से देख पाते हैं। ठीक है, तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को मिरर कहते हैं। रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। जब भी वो लाइट रे जो होता है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस पर गिरता है ना, एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और खुद ही सेम मीडियम में जो होता है वो रिटर्न हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे जो होता है वो कोई भी स्मूथ सरफेस, जैसे कि क्या हो गया मिरर हो गया, है ना, उस पर अगर पड़ता है तो सेम ही मीडियम में अगर वो रिटर्न हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ से एक लाइट रे को पास कर रहा है, ये एक मिरर है, ठीक है, अब यहाँ से ये जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से ये इसी मीडियम से जो होता है सेम मीडियम, लिखा है ना सेम मीडियम, वहीं से अगर वो रिटर्न हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर गिरता है और सेम मीडियम से रिटर्न हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो होता है वो मेन पॉइंट है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। रिफ्लेक्शन के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोग का मिरर में दिखता है, है ना, अभी हम बता ना कि मिरर में रिफ्लेक्शन के द्वारा ही हम लोग दिखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के कारण ही मिरर में हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका चित्र, उसका इमेज जो होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर जो होता है वो हमेशा लाइट का डायरेक्शन जो कि उसके ऊपर गिरता है उसको चेंज करता है ना, मिरर जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करता है। इसको हम लोग एक एक्टिविटी से करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो इस चीज को प्रूव
करने के लिए कि मिरर जो होता है वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है, इसके लिए एक एक्टिविटी करता है ना। मान लेते यहाँ एक लड़का है, ठीक है, यहाँ एक लड़का है और ये चीज हम लोग बेसिकली ये एक्टिविटी रात में करेंगे। यहाँ भी एक लड़का है ना, ये जो होता है, ये जो है, मान लेते ये लड़की है, ये जो होती है वो अपने हाथ में लिए हुई रहती है एक मिरर, ठीक है, और ये जो होता है वो यहाँ पे एक और है, तीन लोग है, ठीक है, ये जो होता है वो टॉर्च लिए हुए है, ये जो होती है वो मिरर ली हुई है, और ये जो होता है वो कुछ नहीं लिया हुआ है। तो जब ये टॉर्च जो होता है वो टॉर्च का लाइट इस मिरर पर डालता है तो ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, यहाँ से यहाँ जो होता है वो ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। तो जब ये वाला जो लड़का होता है जो टॉर्च का लाइट जो होता है वो मिरर पर डालता है तो वो देखता है कि ये जो होता है वो इधर रिफ्लेक्ट कर गया, इधर चला गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है मिरर जो होता है, ये जो मिरर होता है वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन, अगर लाइट इस पर पड़ेगा तो हमेशा ये जो होता है उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो एक मिरर जो होता है वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है अगर उस पर पड़ता है तो, ठीक है। आगे का जो हम लोग का है, लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी देखे थे कि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो कभी भी जिगजैग वाला पथ पर नहीं जाएगा या कभी भी बेंड नहीं होगा, कभी भी मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और एक मिरर से जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके लिए भी हम लोग का एक एक्टिविटी है, जैसे कि ये एक फोन है, ठीक है, यहाँ पे एक पंखी रखा हुआ है। अब यहाँ से जो होता है वो टॉर्च जल रहा है, यहाँ जो होता है वो पंखी रखा हुआ है, एक फोम है, ये यहाँ एक मिरर है, तो इसका जो लाइट पड़ रहा है ना, उसकी वजह से एक तो यहाँ पर बहुत सारा वो बन रहा है, रेज बन रहा है, इसका शैडो बन रहा है, और ये जो लाइट मिरर पर पड़ रहा है तो मिरर इसका क्या हो रहा है, इसका उसका डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है। इस वाले फिगर को देखो, अच्छे से समझ में आएगा। टॉर्च जला हुआ है तो सबसे पहले तो इस कंघी का शैडो बन रहा है, अब यही लाइट जो होता है वो मिरर पर भी पड़ रहा है, तो मिरर क्या कर रही है कि इस कंघी का डायरेक्शन को, इस पे जो लाइट पड़ रहा है उसको चेंज कर रही है, तब ये जाकर ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हमेशा रिफ्लेक्ट करती है एक मिरर से, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में था हम लोग का इतना ही था, ठीक है। इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम लोग को इतना ही पढ़ना था, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अब ये जो हम लोग का चैप्टर होता है वो होता है खत्म, हम लोग ए टू जेड पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम बता देंगे, ठीक है, या उसमें से कोई भी उस टॉपिक पे कोई भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर हम लोग का हो गया खत्म, अब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मेरा जितना भी वीडियोज होगा इसके प्रीवियस चैप्टर वाला या इसी का पहले वाला वीडियो, वो सारा का सारा प्लेलिस्ट में होगा, तो आप लोग जरूर जाकर देख लेना। चलो बाय, टेक केयर।